जूता व्यापारी की हत्या का झूसी पुलिस ने किया खुलासा। संगम नगरी प्रयागराज में बीते दिनों जूता व्यापारी की हत्या हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और पुलिस जांच में जुट गई। वहीं आज प्रयागराज पुलिस ने प्रेस वार्ता करते हुए खुलासा किया। खुलासा करते हुए उपायुक्त नगर संतोष मीणा ने बताया कि हत्या में शामिल चारों अभियुक्तों को पेश करते हुए बताया कि ये चारों लोग पहले से आपस में दोस्त थे और मृतक अंकित की दुकान पर मनीष काम करता था। रविवार के दिन सबने एक पार्टी रखी और मृतक अंकित को भी उस पार्टी में बुलाया और फिर पांचों लोग इकट्ठा हुए, जिसके बाद अंकित और मनीष में पैसे को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद मनीष, सुमित, आकाश, रोहित एकजुट हो गए और अंकित पर लोहे के पाइप से हमला कर दिया। वहीं पुलिस ने चारों की निशानदेही पर लोहे का पाइप भी बरामद कर लिया है और पुलिस अब इन चारों के खिलाफ विधिक कार्यवाही कर जेल भेज रही है। सर, ये बताइए किस तरह से ये हत्या हुई थी जॉनसनगंज में व्यापारी की, और इसमें कितने लोग पकड़े गए, क्या फिर इसके पीछे पूरी घटना मामला था? ये झूसी थाने में 29 जनवरी की रात को हत्या एक व्यापारी की हो गई थी, जिसमें आज झूसी थाने की पुलिस ने सफल अनावरण उसका किया है। इसमें चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जब इनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ये चार लोग पहले से जानते थे एक दूसरे को, और वहाँ पर जो दुकान थी जूते चप्पल की मृतक की, उसी के वहाँ पार्टी कर रहे थे और पैसे को लेकर कुछ वाद विवाद हुआ, जिसको लेकर इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। सर, दूसरा मामला है जिसमें लूट हुई थी, क्या उसमें खुलासा हुआ, कितने लोग पकड़े गए, किस तरह से उसको लूट को अंजाम? विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 19, मथुरा।